क्या हैं, क्या वो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, यूके इस दफा कौन सी स्ट्रेटजी बना रहा है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को पास और फेल कर रहा है, इन सारी चीज़ों के आंसर्स आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। मैं हूं ज़ीशान रसूल, वेलकम टू मीट ज़ीशान यूके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप रिगार्डिंग योर यूके स्टूडेंट वीज़ा अकॉर्डिंग टू द in different YouTubers, different consultancies and the experiences of different students that they have regarding their pre-CAS interview in different intakes, September intake and May intake and the previous January intake. So I have concluded all of these things in this one video so that ki jo aap प्रिपेशन कर रही हैं आपके लिए सारी की सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस, वो पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं और किस तरह से देने चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन टू। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके प्री-कैस इंटरव्यू के लिए पूछा जाएगा, अच्छा सबसे पहले तो प्री-कैस इंटरव्यू जो है वो आपका एक ऐसा इंटरव्यू है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका इनिशियल डिपॉजिट करवाने से पहले लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनिशियल डिपॉजिट के बाद लेती हैं। जो प्री-कैस इंटरव्यू है और जो एम्बेसी इंटरव्यू है, दीज आर नाउ कोरिलेटेड विद ईच अदर और अमूमन यूनिवर्सिटीज़ वही चीज़ें पूछ रही हैं जो कि एम्बेसी पूछा करती थी। सो अगर आप प्री-कैस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एम्बेसी इंटरव्यू इफ पॉसिबल। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री-कैस इंटरव्यू के अंदर वो क्वेश्चन है कि डिफाइन yourself or give your introduction, tell us something about yourself। तो आपने जो अपना introduction देना है सबसे पहले तो आपने अपना name बताना है and then the district in which you born and then your date of birth and then your passport number and then your student ID। These are the major things that you have told firstly in your introduction, like what आप उनसे कहते हैं। For example, for me, I will give it as my name is Zeeshan Rasool, I was born in Sialkot and on my date of birth is 3rd of March and 1995 and my student ID is 2408948 and passport number is 2289085। ये चीज़ें बताने के बाद फिर आप उसको फॉरवर्ड मूव करेंगे, फिर आप उसको बताएंगे कि जो आपकी रिसेंट एजुकेशन है वो क्या है। रिसेंट एजुकेशन के अंदर जस्ट लाइक दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड योर इंटरमीडिएट और ए लेवल्स तो आप उसको वो बताएंगे, अगर आपने अपना बैचलर्स किया है या मास्टर्स रिसेंटली कंप्लीट किया आप उसको भी वो बताएंगे। वो बताने के बाद आप उसको अपना कंप्लीटेशन का ईयर बताएंगे और वो बताने के बाद फिर आप अपना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताना, और एक्सपीरियंस के बारे में बताने के बाद अब अगर वो आपको स्टॉप ना करें तो आप उसको ये भी बताएंगे कि आपने अपने ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव लर्न सो फार। फॉर मी आई विल से इट लाइक दैट I have recently completed my Master's of Mathematics from University of the Punjab, Lahore in 2019 and after that I have studied at Lecturer of Mathematics at Concordia Group of Colleges, Sialkot. So moving on, during my lecturership I was able to maintain the student record at the college department and also the head of the examination branch too. I served as the academic leader of the college and also I have brought a book for helping the students with the help of Concordia Group of Colleges and the project of Wigan Hall School System. Furthermore, my main duty was to deliver the lecture, to take the exams from the students and prepare the answer sheets and prepare the question sheets too. So ye cheezein aap jab usko bata denge to ye wo cheezein hain jo ki aapne usko compulsory batani hai, lekin in cheezon ke sath jo cheezein aapko pata honi chahiye वो चीज़ें होंगी आपकी मैट्रिकुलेशन किस सन के अंदर हुई। बच्चों को ये भूल जाता है, ये याद रखना है मैट्रिक किस सन में की, कितने परसेंट मार्क्स थे, इंटर किस ईयर में किया, कितने परसेंट मार्क्स थे, फिर आपने अपना बैचलर किस ईयर में किया, कितने परसेंट सीजीपीए था। ये वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, वो ये क्रॉस डिस्कशन कर सकता है। अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी डिटेल के साथ सुनना है, क्योंकि एक बड़ी ही डिटेल्ड में वीडियो है और एक बड़ी लेंथी वीडियो है जो कि मैंने बनाई है, और आपको यूट्यूब पर इस तरह की कोई भी वीडियो कहीं पर नहीं मिलेगी। मेरा जो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये नंबर ऑफ कंसल्टेंसीज जो कि पाकिस्तान के अच्छे अच्छे कंसल्टेंसीज हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद चीज़ें मैंने निकाली हैं, जो हमारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनसे निकाली हैं और जो स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे निकाली हैं। तो आपने बोर नहीं होना दरमियान में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा फुल एंड फ्लेज, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अगर आप ये प्रिपेयर कर लें तो दैट्स इट। उसके अलावा वो आपसे आपकी आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछ सकता है या आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है, दैट्स ऑल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हम एंड पर डिस्कस करेंगे कि आजकल वो किस तरह के ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उल्टे पुलटे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस। अब आ जाता है सर सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो कि मैंने नोट डाउन किया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये था कि व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। अब इस कोर्स को चूज करने की जो रीजन आप बताएंगे वो आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि माय पर्सनल इंटरेस्ट लाइज इन दिस फील्ड। अगर आप बिजनेस के किसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एज यू कैन सी दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज रियली इंड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और यू कैन से दैट फाइनेंस इज जस्ट एक्सपेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आप या उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं. आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन डूइंग द बिजनेस एंड और द वर्किंग इन विद एन इंटरनेशनल बिजनेस फॉर्म. पर्सनल इंटरेस्ट बताएं थोड़ा सा. पर्सनल इंटरेस्ट बताने के बाद आप उसको अपनी डिग्री का हवाला दें. जाहिर बात है आप जिस भी कोर्स के अंदर जा रहे हैं वो आपकी डिग्री से रेलिवेंट होगा थोड़ा बहुत. तो आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया, अब आप उसको अपनी डिग्री के बारे में बताएं. अब आपकी जो डिग्री है अगर वहां से कोई चीजें बेसिक्स निकल रही हैं दूसरी फील्ड के लिए तो आप उसको उसकी तरफ लेकर आए. एंड देन यू हैव टू टोल्ड अबाउट योर आपको जो मॉड्यूल्स हैं फिर स्पेसिफिकली आप बताएं कि द मॉड्यूल्स दैट आई विल स्टडी इन दिस कोर्स इज दिस. वो आपने चार या पांच जो मॉड्यूल्स हैं आपने वो मॉड्यूल्स उस इंटरव्यूअर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. आपको वो फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए. वो मॉड्यूल्स बताने के बाद फिर आपने कहना है स्पेसिफिकली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मॉड्यूल या माय फेवरेट मॉड्यूल इज दिस. अब ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ भी सकता है, अगर वो नहीं पूछे तो आपने उसको बता देना. लेकिन याद रखिएगा फेवरेट मॉड्यूल हमेशा वो मॉड्यूल आपने बताना है जो कि जिसके बारे में आपको थोड़ी सी हाउ नाउ हो और जिसके बारे में आप क्रॉस डिस्कशन कर सकते हो. ये याद रखिएगा कि कभी भी जो आपका इंटरव्यूअर होता है उसको आपके सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होती. वो सिर्फ आपसे ये चाह रहा होता है इंफॉर्मेशन लेना कि आपने कुछ रिसर्च आउट भी किया है या नहीं किया. अब लाइक मी, अब मैं उसको बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा होता या मैं लेता तो मैं उसको ये आंसर देता. Personally, I was really interested in introducing something related with mathematics and finance, and the recent advent of the artificial intelligence has really made me to do something or to learn something in the field of finance because the finance is quite deeply related with mathematics and data science, and data science is also related with mathematics. During my master's in mathematics, I have learned many very good skills like the mathematical modeling, like the in operational research. I have learned many things that are quite related with business, like the optimizations, minimizations, and the objectives and the constraints. And likewise, I have studied the numerical analysis in which I have studied different methods to sort out the different real life problems. And then I have also studied the statistics, which really provides me some basics for the business terminologies and then the probability theory. So the all of these things has really helped me to induce my interest in the field of finance. Also, mathematics provide the basics for the and the fundamentals for the data science, as the algebra, linear algebra, and the numerical analysis and the real analysis. These are the basic things that I have to know if I'm going to learn the data science. So these things will really boost my interest in getting a degree which is the combination of finance and business and then maths and artificial intelligence or data science. So the specific module, for example, that I have studied international business with data analytics will really helps me to uphill my skills, and also the things that I'm going to study and the same modules I have taught. And then my favorite module is international business with data analytics, because I will learn the Python and R and different computer languages, which will really help me to get knowledge for specific knowledge from the raw data and conclude the things. अब ये चीज़ें मैंने इसको इस तरह से बताई हैं, और आपकी जो फील्ड होगी आपने उसको इसी एक पैटर्न से चीज़ें ये सारी बता देनी है कि आपने इस कोर्स को चूज़ क्यों किया. अब वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई दिस यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की आपने, या ये यूनिवर्सिटी कहाँ से चूज़ की. तो आप स्टार्ट करेंगे कि आई वॉज जस्ट सर्चिंग आउट फॉर द यूनिवर्सिटी इन UK फॉर माई स्पेसिफिक कोर्स एंड आई हैव फाउंड द 3 यूनिवर्सिटीज. अब जो आपकी यूनिवर्सिटी है आपने उसके बारे में उसको बताना है. दो यूनिवर्सिटीज़ कोई और आपने सेलेक्ट कर लेनी है. लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ हर्टफोर्डशायर, मैं सेलेक्ट करता हूँ UWS, एंड देन मैं सेलेक्ट करता हूँ अल्स्टर एंड देन लिंकन, जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं. मतलब आपकी एक मेन यूनिवर्सिटी और बाकी दो यूनिवर्सिटी. तो फिर आपने कहना है कि आई हैव फाउंड दैट माई यूनिवर्सिटीज़ जो आपने सेलेक्ट की है उसकी फिर आपने QS वर्ल्ड रैंकिंग निकालनी है. QS वर्ल्ड रैंकिंग निकालने के बाद टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग निकालने, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग निकालने के बाद गार्डियन की रैंकिंग्स निकालने. ये चीजें आप उसको बताएं कि ये यूनिवर्सिटी इन चीजों पर रैंक कर रही है. देन आप उसको बताएं इन तीनों रैंकिंग्स के बाद फिर उसको यूनिवर्सिटी की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताएं. लाइक यूनिवर्सिटी ने इस दफा कोई ग्लोबल वार्मिंग के अंदर या इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए अवार्ड जीता है. फिर आपको उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्पेसिफिकली पढ़ने जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक के किचन दे रहे होते हैं, वो कैफेटेरिया दे रहे होते हैं, वो सिटिंग एरिया दे रहे होते हैं, वो कॉमन प्रे रूम दे रहे होते हैं. तो इस तरह की जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर लैब्स दे रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर बारो कर दे रही होती हैं ऑप्शन. तो ये सारी आपने यूनिवर्सिटी की वेब पोर्टल पर जाके आपने सर्च आउट करनी है, और इन सारी चीजों का फायदा ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो जाएगा कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी. फिर वो आपसे बोलेगा कि आपने इसके अलावा भी और कोई यूनिवर्सिटी चूज की थी. आपने भी इस आंसर के तौर पर उसको बताना है कि यस आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड द अदर 2 यूनिवर्सिटीज, बट
उसमें रीजन ये था कि आपने आप दो ऐसी यूनिवर्सिटीज देखनी, आप ये नहीं देख लेना कि आप अगर हर्टफोर्डशायर बता रही हो यूनिवर्सिटी तो उसके लेवल पे जाकर आप उसको उसका मुकाबला कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से कर दें। नहीं, जो हर्टफोर्डशायर की रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी है, इनके आसपास रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी है, आपने वो यूनिवर्सिटी पिक करनी है दो, और वो यूनिवर्सिटीज देखनी है जिनका जो रेंट है वो आपकी जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, सॉरी रेंट नहीं, जो आपका डिपॉजिट है वो आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से ज्यादा हो, फीस ज्यादा हो। फिर आप ये बताएं कि जो मॉड्यूल्स मैं देख रहा था वो उस यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं थे, जो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स मैं सर्च कर रहा था वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में थी। लाइक दैट इफ आई एम गोइंग फॉर द अलसर यूनिवर्सिटी, तो आई विल से दैट आई हैव आल्सो सिलेक्टेड दारलिंगकन यूनिवर्सिटी एंड द बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, बट देयर फीस इज टू हाई एंड एक्सपेंसिव फॉर मी, सो रादर देन अलसर यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग मी द फर्स्ट ईयर मास्टर जस्ट इन दिस अमाउंट, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। फर्दरमोर द मेन मॉड्यूल्स दैट आई वाज लुकिंग फॉर वाज आल्सो अवेलेबल इन द अलसर यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, एंड मोर ओवर दिस यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग द मोर वेरी गुड फैसिलिटीज टू। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कि अदर यूनिवर्सिटीज को कौन सी सिलेक्ट की हैं, और आपने जो अदर यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट की हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी हावना रखनी है जो कि आप अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हैं। एंड देन इट कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि वाई यू। अब हो क्या रहा होता है हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्क आते हैं, बहुत अच्छा वेदर है जी, अच्छा वेदर अच्छा है तो आप भाई किसी पाकिस्तान में ठंडे इलाके में पढ़ लें, इंडिया के किसी बांग्लादेश के ठंडे इलाके में पढ़ लें, आपको क्या जरूरत है वेदर अच्छे की मजे लेने के लिए, इतने अच्छे जिन एरिया से आप आ रहे हैं उनके ठंडे इलाकों में जाके पढ़ लें। तो ये चीज़ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट में ही बता दें। वाई यूके का आंसर एक ऐसा आंसर होना चाहिए जो कि इंटरव्यू को वाकई ही कायल करे कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन है और दैट्स व्हाई ही हैज मूव्ड टू द यूके और ही इज विलिंग टू मूव टू यूके। सबसे पहले तो आप ये बताएं उसको कि यूके इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताने के बाद आप उसको बताएं कि सेकंड पॉइंट आप उसको बताएं कि द वन ईयर मास्टर प्रोग्राम हैज़ रियली इन्हांस्ड माय डिजायर टू लर्न माय डिग्री इन यूके। फिर आप ये बताएं कि द रेपुटेशन ऑफ द यूके यूनिवर्सिटी इन अवर कंट्री इज़ वेरी मच हाई, लाइक द फाउंडर्स ऑफ इंडिया में अगर आप हैं तो गांधी साहब, और अगर पाकिस्तान से अगर आप हैं तो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान लाइक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेजुएट पर्सनैलिटी फ्राम द यूके यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल एंड द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन द वाइस चांसलर of Oxford University in UK. तो ये चीज़ें बताएं, that's why I have decided to study my further skills in UK. Moreover, the universities providing the practical skills to the students rather than in my home country, we are getting the only like the study modes, or we are only getting the theory level questions in Pakistan or in India. And you can say that in आपकी degree के हवाले से आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने theoretically तो पढ़ ली, अब जब इनका practical implementation था तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें खास पढ़ाई नहीं जा रही हैं, तो इसलिए मैंने UK move करने का सोचा है। फिर आपको ये बताएं कि UK का weather भी अच्छा है, तो that's why these are my main topics, जिसकी वजह से main मेरे themes हैं जिसकी वजह से मैं UK को select कर रहा हूँ। फिर UK के बारे में आप बताएं कि जो UK की universities की ग्रेजुएट है उनको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होती है, और इस तरह की चीज़ें जो कि आप बहुत पॉजिटिव रहें और जिनके बारे में आपकी कैलकुलेशंस हो यूके के हवाले से आप उसको वो बताएं। अब ये चीज़ें हो गई, फिर वो अब वाई यूनिवर्सिटी, वाई यूके, वाई दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन आपका, फिर अब इन सारी चीज़ों से हटकर जो आजकल वो पूछ रहे हैं, एक बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछने में मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था प्री कैस, उसने रिकॉर्ड किया था, तो ये क्वेश्चन उसने पूछा कि उसने जब ये बताया कि वन ईयर का जो कोर्स है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने यूके सेलेक्ट किया, उसने कहा कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ वन ईयर कोर्स और द शॉर्ट टर्म कोर्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो बताओ। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि बच्चे प्रिपेयर नहीं करते गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपने यूके के अलावा बाकी कंट्रीज को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो आप उसमें बताएं कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आई हैव सेलेक्टेड जर्मनी टू, बट द लैंग्वेज बैरियर इन जर्मनी एंड इटली वाज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट सेलेक्ट दीज यूनिवर्सिटीज पर्सनली, एंड ऑल्सो द देयर इज अ लैक ऑफ अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, एंड आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड द ऑस्ट्रेलिया, बट द मास्टर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 years और द बैचलर कंसिस्ट ऑफ द 4 years, एंड व्हाइल इन यूके इट्स 1 year और 3 year, सो एंड फर्दरमोर दीज कंट्रीज are very expensive as compared to the UK, so that's why I have selected UK. अब हम उन questions पर आते हैं जो कि वो अक्सर बच्चों से पूछते हैं and students have not prepared them at all. सबसे पहले तो ये पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल के वट इज़ योर हॉबीज, वट यू विल डू इन योर स्पेयर टाइम। अब एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट था उसका मैं प्री कैस इंटरव्यू रिकॉर्डर देख रहा था, उसने उसे पूछा कि डू यू लव टू लर्न द लिसन द सॉन्ग्स और वॉच मूवीज इन योर स्पेयर टाइम, तो उसने कहा नो। अब ऐसी बात नहीं करनी है, आप जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जब आप स्टूडेंट हैं और जब आप सर वहाँ पर फ्री होंगे तो आपने करना क्या है आप ये बताएं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आई एम वेरी कीन टू वॉच मूवीज एंड आई लव टू लिसन द सॉन्ग्स, फिर आप कुछ दो चार अंग्रेजी गानों के अच्छे से सॉन्ग्स को याद कर लें, उनके चार फिक्रों को, अगर वो पूछें कि कौन से सॉन्ग्स आपको ज़्यादा पसंद है तो आप वो उनको गुनगुना के सुना दें। फिर मे भी हो सकता है कि वो आपसे इस बारे में भी क्वेश्चन कर ले कि यूके के वेदर के बारे में आप क्या जानते हो, किस तरह का वेदर है, तो यूके का जो वेदर है उसके बारे में आपकी पूरी रिसर्च हो, कितने सीजन हैं, किस किस तरह के क्लॉथ्स आई हैं, आप क्या पहनेंगे। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका डाइट प्लान क्या,
क्या है। सीरियसली आप लोग हंस लेंगे कि ये क्या फजूल क्वेश्चन है, तुक नहीं बनती लेकिन पूछते हैं भाई। तो ये आपने लाजमी बताना है कि यार मेरा डाइट प्लान ये वाला है, मैं ये चीज़ें खाऊंगा। फिर आपको बता सकते हैं कि मैं कुकिंग भी खुद करता हूँ, इस तरह की चीज़ें वो सभी पूछ सकते हैं कि आर यू गुड कुकर, आप बताएं कि हाँ मैं अच्छा कुकूँ। फिर वो पूछेंगे क्या आप यहाँ पर आकर काम करेंगे, तो आप बोले नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क बिकॉज आई हैव इनफ फंड्स इन माई अकाउंट एंड आई विल यूटिलाइज दीज फंड्स एंड आई विल जस्ट ओनली डू माई वन ईयर मास्टर एंड कम बैक टू माई कंट्री, सो आई डजंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। इसके बाद द मेन थिंग दैट ही कैन ऑल्सो लेट यू नो बाई यू साइड दैट कि आपने अकोमोडेशन का क्या किया है। अब तो यूनिवर्सिटीज कुछ हैं जो कि अकोमोडेशन दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी अकोमोडेशन नहीं है, सो आप ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी है वो असल में अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, सो आई विल डेफिनेटली गेट अ प्राइवेट अकोमोडेशन, और उस प्राइवेट अकोमोडेशन के अंदर आपने गूगल से या अंबर स्टूडेंट की एक वेबसाइट है वहाँ से आपने फाइंड कर लेनी है आपकी यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो लोकेशन हैं वो कौन सी हैं जहाँ पर बच्चों को हॉस्टल्स मिल रहे हैं, फिर उनका यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कितना है और वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए वो, और उसके अलावा वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपके हॉस्टल के अंदर प्राइवेट अकोमोडेशन के अंदर। नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं वो यही होती है कि फ्री वाईफाई होता है, शेयर्ड किचन होता है, शेयर्ड वॉशरूम होते हैं, और पार्किंग एरिया होता है, और कैफेटेरिया होता है छोटा सा बना खाना खाने वगैरह खाने के लिए, तो ये आप उसको बता सकते हैं। इसके अलावा अकोमोडेशन भी हो गई, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो हमारे डीपी हो गए। अब आ जाते हैं सर आपकी लिविंग कॉस्ट के ऊपर, वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी लिविंग कॉस्ट क्या है, तो आपने अपना जो ऑफर लेटर है उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना है स्कूल से, उसके ऊपर आपके लिविंग कॉस्ट लिखे होंगे और वो लिविंग कॉस्ट किन किन जगहों पर लगने हैं, मतलब अकोमोडेशन के लिए कितना लिविंग कॉस्ट है, फिर ग्रोसरी के लिए कितना लिविंग कॉस्ट है, फिर आपकी अदर बुक्स स्टेशनरीज की कितना लिविंग कॉस्ट है, ये वहाँ पर लिखे होंगे और आपको वो एज पर याद होने चाहिए। आप उसको अपने वो लिविंग कॉस्ट बताएंगे और अब ये जनवरी 2 जनवरी से ये जो लिविंग कॉस्ट है ये इंक्रीज हुआ है, तो आपने अगर जनवरी इनटेक के लिए जा रहे हैं डेफिनेटली जनवरी इनटेक ही बाकी पीछे बचा है, तो आप उसको जो 2 जनवरी के बाद जो लिविंग कॉस्ट बन रहा है आप उसको वो बताएं, क्योंकि आप 2 जनवरी के बाद ही वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं उससे पहले नहीं, ठीक है। बेशक आपने जो एम्बेसी के अंदर वीज़ा फाइल किया उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो 2 जनवरी से पहले फाइल कर रहे हैं तो पहले वाली लगेगी आपका लिविंग कॉस्ट, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको ये बताएं कि लिविंग कॉस्ट हैज बीन चेंज फ्रॉम द 2 जनवरी 2025 एंड आई हैव द फंड्स अकॉर्डिंग टू दिस चेंज डिमांड विच इज गोइंग टू बी $1,023 नियर अबाउट। ये बताने के बाद आपको अपने स्पॉन्सर का पता होना चाहिए कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, और आपने उसको बारे में उसके बारे में आप उसको बताएं, अगर वो पूछ ले करो उसको उसने कौन स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ पे हके बके होकर नहीं बैठ जाना कौन स्पॉन्सर कर रहा है। और उसके बाद ट्यूशन फी आपको आपकी पता होनी चाहिए कि मेरी इतनी ट्यूशन फी है और मैंने इतनी इनिशियल डिपॉजिट में पे की है और बाकी जो ट्यूशन फी है वो मैं बाद में पे करूँगा। इसके अलावा जो है वो आपका फ्लाइट का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री से यूके का जो फ्लाइट डिस्टेंस है वो ये है। समटाइम्स वो पूछ लेता है कि आप एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कहाँ जाएंगे, कौन लेने आएगा, क्या करेंगे, तो आपको बताओ कि आई विल गेट अ प्राइवेट टैक्सी एंड दिस इज एंड आई विल यूज एनी काइंड ऑफ प्राइवेट टैक्सी एंड आई विल रीच आउट टू माई डेस्टिनेशन अकॉर्डिंगली। और ये बताएं कि मैं जाने से पहले जो है वो अपनी उसकी अरेंजमेंट्स जो हैं वो करके जाऊँगा। अब अक्सर क्वेश्चन के बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या वो उसका प्रूफ भी मांगेंगे कि आपने अपनी अकोमोडेशन बुक कर लिया, तो आप ये कहें कि नो आई हैव जस्ट रिसर्च अबाउट दिस बट हैव नॉट फाइनलाइज दिस, सो आई विल फाइनलाइज आफ्टर फाइलिंग माई वीज़ा। और उसके बाद आप उसको फाइनलाइज वीज़ा के बारे में जाहिर बात है जब आपने उसको बात कर दी तो वो मान जाएंगे कि हाँ जी ये बच्चा वीज़ा फाइनलाइज करवाने के बाद जो है इस अकोमोडेशन की तरफ आएगा। ये वो सारी चीज़ें थी जिनको आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के लिए, जो कि अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस और क्या आंसर्स देने चाहिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए हर हाल में, और मेंटली तौर पर कॉन्फिडेंट रहें और प्रिपेयर होकर जाएं। आप इस वक्त अपने यूके स्टडी वीज़ा के किस प्रोसेस के अंदर हैं कमेंट्स सेक्शन के अंदर ये लाजमन बताइएगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा रिगार्डिंग योर प्री कैस इंटरव्यू वो भी बताइएगा, और क्या और चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि वो प्री कैस इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है। सो ऑलवेज अवेलेबल फॉर your conversation and your questions in the comments box, and just subscribe my channel too, and if you want to find the other questions about your study visa process and other things, so do watch and subscribe.